नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एग्री कौशाला में। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एवरग्रीन जो बर्निंग टॉपिक होते हैं इंडिया में, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जनरल इकोनॉमी के हिसाब से लगाइए, ICAR के हिसाब से, UGC के हिसाब से लगाइए, किसी के हिसाब से लगा लीजिए, बट ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसका करंट डाटा, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, ये सब समझना जरूरी है। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होते हैं दोस्तों कि आप इनवॉलेंट्री आइडलनेस, मीन्स आपका मन है कि आप जॉब करना चाह रहे हो, जो आपका एग्जिस्टिंग जो प्रिवेलिंग जो वेज रेट है ना दोस्तों, उस पर आप जॉब करना चाह रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। और जितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही जो आपकी इकोनॉमी है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उतनी ही कम होगी, मीन्स ये दोनों आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हो गए। ठीक है, और दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो 1 to 30% के बीच में ये अनएम्प्लॉयमेंट की जनरली रेंज एग्जिस्ट करती है जो देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है जो होता है कि अगर मेरी अच्छी खासी इकोनॉमी है क्या उसमें 0% अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा कुछ केस होते हैं? नहीं दोस्तों, जनरली आपकी अगर आपकी जो इकोनॉमी अगर हेल्थी इकोनॉमी भी, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें भी आपको 5% आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरली आपको देखने को मिल सकती है। मतलब जो नेचुरल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है वो आपकी जनरली 5% तक एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि कुछ भी परफेक्ट इकोनॉमी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती, नथिंग इज परफेक्ट इन वर्ल्ड। ओके, फिर आते हैं दोस्तों कि आपको जो 2019 है उसके अकॉर्डिंग अगर UN ने एक एस्टिमेट लगाया था, उन्हें बोला था कि भी जो इंडिया है उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी है 6.55%। एंड दोस्तों सिमिलरली अगर हमारे इंस्टीट्यूशन की बात करें, MoSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दोस्तों इन्होंने डाटा रिवील किया था कि मोर देन 6% जो है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इंडिया में, जो कि 45 ईयर हाई। कितने हाई है दोस्तों? 45 ईयर से भी ज़्यादा है जी। 45 ईयर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुई, और अब तो कोरोना हो गया तो दोस्तों उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये तो हो गए MoSPI, और इसके अलावा क्या ऐसे कोई है इंस्टीट्यूशन जो कि ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रिगार्डिंग अपना जो डाटा है वो अपडेट रखते हैं? है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं दोस्तों, ये करता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, आपको क्या करता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता है, उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये सब देखने को मिलता है दोस्तों। ये आप बोले कि अब ये सब क्या है, तो ये सब है दोस्तों इंडिकेटर हैं, पैरामीटर हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, और ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर है इसके साथ मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, वो NSO के जो PLFS मीन्स पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से ली गई है, जो कि करंट का हुआ है 2018-19 का। ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो लेबर फोर्स, सबसे पहले लेबर फोर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेबर फोर्स क्या है? आप सोचते हो कि जो काम कर रहे हैं वही लेबर फोर्स है या क्या? दोस्तों नहीं, जो लेबर फोर्स वो है जो वहाँ पे आप काम भी कर रहे हो, मीन्स आप एम्प्लॉयड भी हो और आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आप जॉब की एक्टिवली सर्च कर रहे हो, मीन्स आप जॉब देख रहे हो, आप घर पे अपना हाथ पैर बांध के बैठ नहीं गए हो कि मेरे को जॉब नहीं करनी, तब जाके आप लेबर फोर्स में काउंट हो गए, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ योर लेबर फोर्स। ठीक है, यहाँ से हो गया लेबर फोर्स की डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। दोस्तों लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या बोलती है, यहाँ की पहली बात है कि लेबर फोर्स मीन्स दोनों अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों काउंट होंगे। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्या आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग आपकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो देखी जाएगी, या फिर किसके रिगार्डिंग? दोस्तों ये देखी जाती है आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपकी जो 15 to 60 ईयर होती है ना, ये बेसिकली आपकी वर्किंग एज में काउंट होती है, और जो लेस देन 15 और मोर देन 60 होती है ये आपकी डिपेंडेंट एज में काउंट होती है। मीन्स आप मोर देन 60 आप बूढ़े हो जाते हो, लेस देन 15 आप बच्चे रहते हो, तो आप क्या ही काम करोगे, तो आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हो। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन के हिसाब से लेबर फोर्स का जो रेशियो होगा वो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा। और 2018-19 के अकॉर्डिंग दोस्तों लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है, उसको बोल और कितना हुआ है दोस्तों, 37.5% तक पहुँच गया है अभी। 37.5% अभी जो प्रेजेंट में आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, फिर आते दोस्तों वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। दोस्तों वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगी कि पहले बात है कि आपके जो वर्कफोर्स कितने हैं। वर्कफोर्स होते हैं बेसिकली जो आप इम्प्लॉय हो, आप जॉब हो, जॉब कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, वेज अर्नर हो, जो भी हो, आप काम कर रहे हो, आप ना तो आपने जॉब छोड़ी है, आप जॉब भी सर्च कर रहे हो, लेकिन आप
काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर अर्निंग योर वेजेस, ठीक है, उसको काउंट करेंगे, मीन्स आप इंप्लॉयड हो। इंप्लॉयड को अगर हम दोस्तों लेबर फोर्स के रिगार्डिंग हम रेशियो में रख दें, मीन्स नंबर ऑफ द इंप्लॉयड पीपल डिवाइड बाई द योर लेबर फोर्स इन टू 100, मीन्स परसेंटेज में, सो आपका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में दोस्तों, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर मैं PLFS के अकॉर्डिंग देखूँ, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये है दोस्तों 35.3%। आपका एल जो लेबर फोर्स था ये 37 के अगर रिगार्डिंग, और देखो वर्क फोर्स जो पॉपुलेशन में रेशियो है आपकी, वो है आपकी 35.3%, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट में इंप्लॉयड बंदे भी आते हैं या क्या आते हैं। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको भी हम लेबर फोर्स के रिगार्डिंग हम रेशियो में, मीन्स लेबर आउट ऑफ लेबर फोर्स हाउ मेनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड बट दे आर एक्टिवली सीकिंग फॉर द जॉब, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके अगर रेशियो निकालोगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगी। इसको डिनोट करते हैं यू से, और यू का फॉर्मूला है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाउ मेनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाई बट दे आर सीकिंग फॉर जॉब डिवाइड बाई लेबर फोर्स इन टू 100। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, इंडिकेटर्स आपके हो गए। अब दोस्तों करेंगे बात टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। क्वेश्चन यहीं से बहुत ज़्यादा आता है, या पार्ट या परसेंटेज से, मीन कितने परसेंट है, कितने परसेंट पॉपुलेशन रेट है, कितनी अनएम्प्लॉय है, कितना पूछे, ठीक है। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों, एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल मीन्स आपका आप एक भाई बहन हो, आपके भाई बहनों में कोई भी हो, आपके रिश्ते बीच फ्रिक्शन आ गए, तो आप मतलब कि आप इधर से नहीं उसको अप्रोच करोगे, आप उधर से नहीं अप्रोच करोगे, तो ये हो गया आपकी फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जॉबलेसनेस होती है, कि अगर एक एक बंदा अगर सोच या अपना आज ये यहाँ ऑफिस में इसने जॉब छोड़ दी और बोलूंगा कि मैं कोई और जॉब सर्च कर रहा हूँ, दोस्तों उसको लगेगा टाइम, ठीक है, एक दिन में तो नहीं मिलने वाला, जो भी टाइम बीच में लगा है उसको उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच जाने का जो जो टाइम लगा है, जितने दिन वो अनएम्प्लॉय रहा उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये होता है जनरली क्या दोस्तों, ये वॉलेंट्री रीजन होते हैं कि मैं कोई जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई जॉब छोड़ रहा हूँ, दूसरी जॉब पकड़ रहा हूँ, या फिर जॉब अभी मैं छोड़ रहा हूँ ताकि मैं कोई और नई जॉब कर सकूँ, कुछ भी हो, तो ये वॉलेंटरी रीजन्स के कारण होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों इसके बाद जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के आप टाइप देखोगे वो आपके इनवॉलेंट्री और स्पेसिफिक जो डेफिनेशन बोला है कि इनवॉलेंट्री, वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही फॉलोअप करेंगे, ठीक है। ये है प्रेजेंट में आपका वॉलेंट्री मैक्स, जो मोस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो वॉलेंट्री होती है, ठीक है। इसके रीजन क्या होते हैं दोस्तों, रीजन कहते हैं आपको स्किल्स नहीं है, या फिर आपकी लेबर इमोबाइल है, मटेरियल शॉर्टेज है, या फिर मशीनरी ब्रेकडाउन है। बट दोस्तों अगर जो मैक्सिमम इसके जो मानना जाता है कि मैक्सिमम क्या मानते हैं, कि जो मैक्सिमम मानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो आपकी कम आपकी जो इसमें आपकी जो मार्केट में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो अच्छे से ऑलरेडी मीन्स मार्केट में पता नहीं होता। अगर आप इंप्लॉयर हो तो आपको पता नहीं होगा कि लेबर एग्जिस्ट कर रही है, अब लेबर हो आपको पता नहीं होगा कि हमारे जैसा काम है उस काम के लिए हमारे हमको एम्प्लॉयर मिल जाएगा, मीन्स कोई हमको जॉब पे ले लेगा। तो ये होते हैं इन्फॉर्मेशन लैकडाउन की वजह से और मिसमैच की वजह से आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको इकोनॉमी में देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब नाम से ये है कि आपको सीजन बाय सीजन आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बाकी टाइम आप खाली बैठे, और सीजन में भी कई दिन आपको इम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कोई रेगुलर नहीं है ना भाई। आप जैसे अब पैडी सीजन है, तो पैडी सीजन में जब तक आप ट्रांसप्लांट करोगे तब आपका ठीक है भाई, ट्रांसप्लांट किया, खाद डाला, उस टाइम आपको थोड़ा इम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी, उसके बाद क्या फ्री। तो दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि अकॉर्डिंग टू सीजन ये चेंज होती रहती है, और इसको बोलते हैं स्पोरेडिक होती है। क्योंकि स्पोरेडिक किस लिए दोस्तों, क्योंकि स्पोरेडिक मीन्स ये ऑलरेडी मीन सीजन टू सीजन है, तो किसी में ज़्यादा किसी सीजन में कम आपको एम्प्लॉय मिल रहा है, तो स्पोरेडिक हो गया, अच्छे से स्प्रेड नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं स्पोरेडिक अनएम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपको जो एग्रीकल्चर लेबर है, या शुगर मिल है, आप कॉटन मिल है, दोस्तों क्या हो गया, मान के चलिए आप शुगर मिल होते हैं, ठीक है, क्रशिंग सीजन के दौरान आपको एम्प्लॉय कर देता है, बाकी टाइम जो 6 मंथ या 5 to 6 मंथ जो बंद रहता है उस दौरान आपको आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, फिर उसके बाद क्रशिंग सीजन आता है, फिर आपको एम्प्लॉय कर लेते हैं। सो दोस्तों इन्हीं के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो ये जो बीच का जो इनका जो पीरियड है जिसके दौरान आप अनएम्प्लॉयमेंट रहे, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों।
अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और दोस्तों सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म सीजनल है तो ये भी शॉर्ट टर्म होगी, फ्रिक्शनल भी शॉर्ट टर्म है आपके, सीजनल भी शॉर्ट टर्म है देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल है ये दोस्तों फ्रिक्शनल से बहुत अलग है। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि आपकी जो ये लॉन्ग टर्म जॉबलेसनेस होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। किसमें? जो आपका स्ट्रक्चर आपको एकदम डेवलप होता है कि आप पहले एक लेबर इंटेंसिव यूनिट होते हो, आप फिर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर बन जाते हो। सो उसकी वजह से आपको जो लेबर है वो अनएम्प्लॉय हो जाती है। और दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल कारण होते हैं। और मार्क्स ने एक चीज़ बोला था कि जब टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास जो लेबर है वो क्या है, वो उसको अनएम्प्लॉय हो जाएगी, तो आपके पास जो लेबर है वो अनएम्प्लॉय होगी तो उसके साथ आपकी जो सरप्लस लेबर है वो ऑलरेडी जो है उसमें इंक्रीज होती जाएगी। क्रिस्टलाइज लेबर, सरप्लस लेबर, ये सब कंसेप्ट मार्क्स ने दिए थे। तो इसको बोलते हैं हम मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोल देते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक मान के चलिए एग्जांपल है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने क्या किया, जो टाइपराइटर थे उनको क्या रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब तो कंप्यूटर में सब कर लेते हैं। तो जो टाइपराइटर है उनकी जो स्किल्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि कंप्यूटर वाले स्किल्स को, जो कंप्यूटर जो पीपल जो लर्न कर रहे थे उनकी स्किल्स को चेंज कर सके। सो वो जो टाइपराइटर वाले थे वो अनएम्प्लॉय हो गए, और ये आ गई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें इतना ही है, और इसके अंदर अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो एक और पार्ट है, इसका सब पार्ट है वो, या फिर आप मान के चलिए जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है इस लाइक ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ओनली, ठीक है। फिर है दोस्तों आपके पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों जो स्ट्रक्चरल जो मैंने पीछे बताया है आपको, वो मोस्टली आपको देखने को मिलती है इकोनॉमी में। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको मोस्टली देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों साइक्लिकल की बात करें, इसको बोलते हैं हम कीनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हम डेफिशिट डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। काफ़ी नाम है, ध्यान रखिए, कीन्स है, कीन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट टाइप डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों। साइकिल क्या है कि आपके जो बिजनेस साइकिल होती है ना, उसमें जो रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, उसके उसके रिगार्डिंग क्या होती है, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि जैसे रिसेशन आ गया, रिसेशन में क्या हो गया कि आपको आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना हुआ तो दोस्तों क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें से आप नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल दो तो आपके पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी। आप बोलोगे कि NUR या फिर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? दोस्तों नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है वो सम होती है किसका, आप जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, आपके पास जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप जो एग्जिस्टिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपके पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। और इसका मैं एग्जांपल दे दूँ, पीपल लूजिंग जॉब ड्यू टू रिसेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसको मैं डेफिसिट डिमांड क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि जैसे अब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो इनफ नहीं होती कि जो जॉब्स दे सके, जो जॉब प्रोवाइड कर सके। मीन्स मान के चलिए आपकी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा उसको। सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉयर है या एंटरप्रेन्योर उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो क्या करेगा भी, या तो कहीं को निकाल देगा या फिर आपके जो सैलरी कट करेगा, जो भी होगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हो जानी, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये जीरो होती है, किस पे, आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है उस पे ये जीरो होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक मैं जो आपको नया सेक्टर बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों, इसकी जो टर्म थी वो किसने दी, मार्शल है, किसने, या पिगो है, या कोई कौन लिया था दोस्तों। डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी जो रेट, इसकी जो टर्म थी, जो यूज़ किया था ये वर्ड, ये थी मिसिस जोएन, जॉन जो भी, रॉबिन्सन, ROBINSON
NSON, ध्यान रखिए जो डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी वो उसकी जो टर्म थी वो मिसिस जोएन रॉबिन्सन ने दी थी, ठीक है। और डिसगार्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप ना एम्प्लॉय तो होते हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन जो आपकी जो आप काम कर रहे हो उसके जो मार्जिनल जो आउटपुट है या जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो या तो नील होती है, तो जीरो होती है या नेगेटिव होती है। मैक्सिमम केस में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो रहती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो डिसगार्ड अनएम्प्लॉयड को डिफाइन करना हो कि आप इंप्लॉय हो बट आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो गई तो उसको बोलेंगे हम डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है इन जनरल। कि मान के चलिए आपके पास 5 एकड़ है, उसमें आपके पापा चाचा काम कर रहे, आपको भी जॉब नहीं मिली, आप भी उसी में हो लिए, आप काम तो कर रहे हो, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, तो इसको बोलते हैं हम डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये सब पार्ट और बोल लो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी लगा दिए, इनोवेट कर दिए, मीन्स आप कैपिटल लेबर सेविंग आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिए, ठीक है। लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी डेवलप होने से जितने जो लेबर जो अब बचे गए हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और उसकी वजह से आपको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दे दें कि मशीन डेट परफॉर्म मास प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ कॉज मैनी टेलर्स टू लॉस देयर जॉब, सही बात है, क्योंकि कंपटीशन कर दिया, अब टेलर के पास क्यों जाना जब भैया मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, सीधी सी बात है। सो इसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी बहुत है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब आते हैं ओकुंसला। दोस्तों ओकुंसला से डील कर रहे हैं तो इसके दो फैक्ट्स होती हैं, दो फॉर्म होती हैं। एक में तो दोस्तों होता है कि आपके जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को आप ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करता है, और एक में होता है कि जीडीपी कितनी है, आपकी जो रियल जीडीपी है उसको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करेगा। सो दोस्तों फर्स्ट लाभ बोलता है कि जो फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं कि अगर 1% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हो जाए तो आपकी जो जीएनपी है वो 3% इंक्रीज हो जाएगी, ये बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म क्या बोला कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर 1% डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो 2% जो इंक्रीज होगा किसमें, जीडीपी एंड जीएनपी, ध्यान रखिएगा, जीडीपी में 2% एंड जीएनपी में 3%, ये था सेकंड फॉर्म ऑफ ओकुंसला, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ मैं अगर एक स्पेसिफिक आपको बताऊं, थोड़ा अलग सा लगा मेरे को, जो शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है दोस्तों यू वी कर्व, या होता है बेवरेज कर्व, ठीक है। ये होता है यूवी कर्व और बेवरेज कर्व। ये दोस्तों क्या है, क्वेश्चन बहुत एकदम टिपिकल सा है, बहुत स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों जो यूवी कर्व है या बेवरेज जो कर्व है, ये कर्व क्या है, ये रिलेशन दिखाते हैं दोस्तों, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसको किसके साथ रिलेशन दिखाते हैं, आपकी जो जॉब वैकेंसी अनएम्प्लॉयमेंट एंड आपकी जो जॉब वैकेंसी रेट एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी रेट के बीच में जो रिलेशन लिखा है उसको बोलेंगे हम यूवी कर्व और बेवरेज कर्व। और इसी को अगर बात करें तो यूवी कर्व होता है हाइपरबोला शेप होता है दोस्तों, हाइपरबोलिक शेप होता है, ठीक है। और दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या होता है दोस्तों, डाउनवर्ड DOWNWRD, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और हाइपरबोला शेप होता है, और किसके बीच में रिलेशन दिखाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी रेट के बीच में है, ठीक है दोस्तों। तो इस यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट हो गया। अब दोस्तों चलते हैं रिवीजन टाइम की तरफ। दोस्तों रिवीजन टाइम में क्वेश्चन 1 है, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू कैपिटल स्टॉक लेबर, मीन्स आपका जो लेबर फोर्स है वो आपका कैपिटल स्टॉक से ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, कीन्स और सीजनल, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, ये है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद सेकेंड है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू मैकेनाइजेशन इन इकोनॉमी, मीन्स आपकी जो मैकेनाइजेशन है, मीन्स उससे क्या होगा दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन और इज आल्सो इट्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 3, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज कॉमनली सीन इन एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मीन्स आपका जो एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो मोस्ट कॉमनली दिखता है वो कौन सा है दोस्तों, डिसगाइज्ड भी है आपका और सीजनल भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है वो है सीजनल। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड ट्रेंड वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड ओकुनला फिलिप्स करो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस एंड इफेक्टिव डिमांड। दोस्तों जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट को एक दूसरे के साथ अटैच करना है तो सीधी सी बात है वो है ओकुन्स ला। और दोस्तों मैंने एक बताया था यूवी कर्व है वो किसको अटैच करेगा वो और वो किसको रिलेट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एंड योर वैकेंसी रेट और जो वैकेंसी रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा वो है आपका यूवी कर्व। और जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट में देखना है तो ओकुन्स ला। देन आता है दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट कीन्स बोथ एंड बी। दोस्तों इसका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिकॉज लॉन्ग टर्म और मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बने रहिए इतना हमारे साथ, आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड